बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हाँ रिकॉर्डिंग प्रेस बता रहे। ऑफ ए मिक्सचर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और कौन कौन सा फिजिकल मेथड है, कौन कौन सा फिजिकल मेथड है? कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड क्या क्या है? द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट। अलग अलग कंपोनेंट का क्या प्रॉपर्टीज है, उसी प्रॉपर्टीज के आधार पे जो डिफरेंस होगा उसे मिक्सचर में कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है। देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड, बहुत सारे मेथड बाय विच कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। मेथड बहुत सारे हैं जिससे हम लोग कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं मिक्सचर से। फॉर अंडरस्टैंडिंग देम बेटर, और अच्छे ढंग से समझने के लिए, लेट अस डिवाइड द मिक्सचर इनटू थ्री कैटेगरीज। तो कोई पूछेगा हाँ मिक्सचर का थ्री कैटेगरीज बताइए, तो आप पहला लेंगे मिक्सचर तो होता है लेकिन सॉलिड विद सॉलिड, पहला काइंड का। दूसरा मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड, हाँ सॉलिड में और लिक्विड में दोनों मिला हुआ रहेगा। तीसरा है लिक्विड विथ लिक्विड, तो तीन तरह का बात आ गया। सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो गया, सॉलिड और सॉलिड मिला हुआ है, एक में कि सॉलिड के साथ लिक्विड मिला हुआ है, एक में लिक्विड के साथ लिक्विड मिला हुआ है। तो इस तरह से ध्यान में रखते हैं कि मिक्सचर को कैसे क्लासिफाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है। ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग। अब आप देखिए मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड, आप सॉलिड विथ सॉलिड में ध्यान दीजिए हैंड पिकिंग मेथड होता है। हैंड पिकिंग है, हाथ से ही चुन के निकाल लिया जाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन समटाइम्स बी सेपरेटेड बाय पिकिंग देम विथ हैंड्स, हाथ से चुन के निकाल लेते हैं। इसमें जितने भी अलग अलग दाने रहते हैं वो हैंड पिकिंग से निकाल लेते हैं हम लोग। मेथड इज यूज व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज वेरी स्मॉल। अगर स्मॉल अमाउंट में मिक्सचर है और उसमें अलग अलग कलर वाले शेप वाले साइज वाले अगर कंपोनेंट है तो हम लोग हैंड पिकिंग मेथड से इसको निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय हैंड पिकिंग में क्या क्या है? डे टू डे लाइफ में हम लोग सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम द राइस और दाल, राइस और दाल में से पेबल्स कंकर होता है छोटा छोटा, उसको अलग करते हैं, है ना। उसके बाद सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम द मिंट लीव्स, कैसे ग्रास को अलग करते हैं मिंट लीव्स से, ये भी ध्यान में रखते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए हाउस वाइफ समटाइम्स यूज द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द टेबल लाइक राइस और पल्सेस। तो क्या यहाँ पर यूज करना चाहिए, कौन सी मेथड रखनी चाहिए? हैंड पिकिंग, ये आपको भरना है, ठीक है। तो हैंड पिकिंग मेथड से आ गया। अब नेक्स्ट आ जाओ थ्रेसिंग, देखो कैसे थ्रेसिंग करते हैं खेत में। दिस मेथड इज जनरली यूज बाय फार्मर्स, इसलिए टू सेपरेट दी ग्रेन्स फ्रॉम दी स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है खेती में से, तो जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें से ग्रेन्स को अलग करने का ये तरीका है। द ड्राइड स्टॉक्स आर बीटेन और थ्रेस्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स।
जब सूख जाता है, जितना भी सूखा हुआ स्टार्च होता है उसको पहले पीटा जाता है डिटेल, या थ्रेसर मशीन से उसको थ्रेस्ट किया जाता टू सेपरेट दी ग्रेन्स। अब देखो यहाँ पर गेहूं को कैसे थ्रेसर मशीन से उसको अलग कर रहा है दाना को। इन लार्ज फार्म्स, जो बड़ी बड़ी खेत होती हैं, थ्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग मशीन्स, और उसका नाम क्या है, थ्रेसर्स। तो थ्रेसर का काम है गेहूं वेहूं को अलग करता है, हाँ, ग्रेन्स को सेपरेट कर देता है ड्राइड स्टॉक से। और अब देखो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द हाँ रिपेंट क्रॉप्स। प्रोसेस ऑफ कटिंग, काटने का तरीका, और गैदरिंग द रिपेंट क्रॉप्स, जो पका हुआ तैयार है, हाँ, तो जो तैयार है क्रॉप्स, अनाज सूखा हुआ, तो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग पूछते हैं वो उस बार, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द रिपेंट क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, तो ध्यान में यहाँ पर रखना है। ए फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। अब देखिए कंबाइन नाम का जो मशीन है, फार्म मशीन है, खेती बाड़ी में यूज होता है, वो हार्वेस्टिंग भी कर देता है और थ्रेसिंग भी कर देता है, अनाज को अलग करके भी दे देता है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए है। अब देखिए एक आता है विनोइंग, अटकने का जो तरीका है, विनोइंग बास्केट है यहाँ पर, हाँ, विनोइंग बास्केट भी। अब मान लो जैसे हवा चल रहा है, विनोइंग बास्केट में रखे हुए हम लोग ग्रेन्स को, हैवियर ग्रेन्स जो होता है, लाइटर हक्स जो भूसा उसा रहता है, हाँ, ये हक्स क्या होता है, अलग हो जाता है जो हल्का है, और ग्रेन्स जो है कहाँ जाता है, ये नीचे चला जाता है भारी वाला, हाँ, ये ग्रेन्स है, तो ग्रेन्स कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और हक्स जो होता है हल्का होता है वो लो करके हट जाता है, देख रहे हो। तो विनोइंग इज द मेथड टू यूज टू सेपरेट लाइटर हक्स फ्रॉम दी हैवियर ग्रेन्स लाइक वेट बाई विंड ब्लो मेथड। हाँ, गेहूं को भी ऐसे फटका जाता है विंड ब्लोइंग मेथड से। इस मेथड में क्या होता है ये बताना है आपको। इस मेथड में क्या होता है, मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, सर्टेन हाइट से, देखिए हाँ इतना ऊंचा है, हाँ मान लो इतना ऊंचा से, हाँ, अलाउ किया जा रहा है, फॉल कराया जा रहा है। तो इस मेथड में मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, दी लाइटर कंपोनेंट्स, जो हल्का वाला कंपोनेंट्स होता है, हक्स गेट ब्लोन अवे, दूर चला जाता है, ब्लोन अवे हो जाता है ये हक्स टू ए डिस्टेंस, वाइल हैवियर कंपोनेंट्स और दी ग्रेन्स फॉल डाउन क्लोजर। और देखो जितना भी ग्रेन्स है ये क्या हो रहा है, नजदीक में गिर जा रहा है। दी टू पार्ट्स दस वी गेट सेपरेटेड आउट इन टू द टू सेपरेट हीप्स, और दोनों अलग अलग हीप्स के रूप में जमा हो जाते हैं अलग होके। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज विनोइंग, गिव एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर हुज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड, तो आप ये पूरा लिख दो, विनोइंग इज द मेथड टू सेपरेट द लाइटर हक्स फ्रॉम द हेवियर ग्रेन्स। एन एग्जांपल में ले लो, मिक्सचर वेट वाला ले लो, हाँ, ग्रेन्स फॉल्स डाउन, हेवियर कंपोनेंट फॉल्स डाउन एंड द लाइटर कंपोनेंट्स लाइक हक्स ब्लोन अवे एंड वी कैन सेपरेट आउट। तो ये आपका आंसर हो जाता है, इसी में से आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का जवाब। हाँ, ये आपका कॉपी में आप अपना लिखेंगे सेपरेट करके। अब देखो एक है सीविंग, SIEVING, सीविंग नाम दिया गया
सीविंग नाम जो दिया गया, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के कंपोनेंट होते हैं उनको अलग करने का मेथड को सीविंग कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिए, सीविंग में सीवी यूज, चलनी बोलते हैं इसको, ऐसी भी जो वायर में वो तार की जाली होती है, यहाँ पर दिखाई जा रही है तार की जाली, ये इसको बोलते हैं सीव, ऐसा ये भी। तो सीव जो होती है वायर में होती है, फिक्स टाइटली इन ए फ्रेम, और वो फ्रेम में टाइटली फिक्स होता है। तो सीव एक तरह से चलनी को कहते हैं, और उससे हम लोग सेपरेट आउट कर देते हैं कंपोनेंट जो अलग अलग साइज के होते हैं। तो ये भी बहुत यूजफुल है, ध्यान में रखना है। और अब आ जाइए देखो, सीविंग में एक और चीज है, इस मेथड में मिक्सचर टू बी सेपरेटेड जिसको अलग करना है, इस पुट इन ए सीव, वो चलनी में डाल दिया जाता है मिक्सचर को पूरा, द पार्टिकल्स हैविंग ए स्मॉल साइज पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, वो सीव में जो होल्स होता है तो जो छोटे छोटे दाने होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सब निकल जाता है, whereas the larger size particles remain on the sieve, बड़ा बड़ा मान लो दाना है, गेहूं का दाना है वो रह जाएगा, चना है रह जाएगा, छोटा छोटा कंकड़ निकल जाएगा। sieve भी different sizes of holes, sieves जो होते हैं वो अलग अलग होल्स के साइज भी होते हैं अलग अलग, और हर डिफरेंट साइज के कारण उनको यूज किया जाता है अलग अलग मिक्सचर को निकालने के लिए। घर में ज्यादातर क्या होते हैं, sieving of wet flour may be done to separate finely ground flour particles from the coarse particles. घर पे क्या होता है, जो चलनी होती है गेहूं का, गेहूं का जो आटा होता है उसको चाल लिया जाता है, सेपरेट किया जाता है, वो जो फाइनली ग्राउंड फ्लावर पार्टिकल्स होते हैं जो आटे में मोटे मोटे दाने आ जाते हैं कहीं से, आटे के जो मोटे वाले पीस होते हैं उसको चलनी से सीप से क्या करते हैं हम लोग, हटा लेते हैं कोर्स पार्टिकल से। एक चीज और, कंस्ट्रक्शन साइट का एग्जांपल है, बड़ा बड़ा घर बनता है, सीविंग ऑफ सैंड भी होती है, बहुत लोग बालू को भी चाल करके प्लास्टर कराते हैं, इट इज डन टू सेपरेट फाइन सैंड, जो बहुत फाइन सैंड होता है, फाइन सैंड जो महीन महीन बालू होते हैं, फ्रॉम ग्रेवेल कंकर पत्थर, ये सबसे अलग करके एक फाइन सैंड निकाल लिया जाता है सीविंग ऑफ सैंड से। द सीव यूज देयर इज मच बिगर इन साइज, वो बड़े साइज की होती है, एंड द साइज ऑफ इट्स होल इज ऑल्सो बिग, उसका साइज भी होल बड़ा होता है, गेहूं वाला सीविंग ऑफ वेट फ्लावर की अपेक्षा जो कंस्ट्रक्शन साइट वाली सीव होती है सीविंग ऑफ सैंड में साइज उसकी बड़ी होती है, होल उसकी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन हाँ फाइन सैंड कैन बी सेपरेटेड आउट, ग्रेवल्स एंड पेबल्स आर सेपरेटेड आउट, फाइन सैंड्स आर ऑब्टेन्ड फॉर द यूज। तो ये ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ देखिए केरला का एग्जाम्पल लीजिए, केरला का एग्जाम्पल, इन केरला क्या होता है, कैसोनट्स ऑफ डिफरेंट साइजेज आर सेपरेटेड बाय सीविंग, वहाँ अलग अलग प्रकार का जो ड्राई फ्रूट को सेपरेट करते हैं लोग, उसको उसको सीविंग मेथड से यूज करते हैं। ज्वेलर्स यूज द प्रोसेस ऑफ सीविंग टू सेपरेट पर्ल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के अगर मोतियाँ होती हैं तो जो ज्वेलर बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, सीव यूज करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ज्वेलर्स यूज द प्रोसेस ऑफ सीविंग टू सेपरेट पर्ल्स ऑफ डिफरेंट साइज,
ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब मैं ये देखो मैग्नेटिक सेपरेशन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैग्नेटिक सेपरेशन किसे कहते हैं, क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट का यूज किया जाता है। यहाँ देखो, पहले फिगर ही देख लो, इसमें यू शेप का मैग्नेट है, ठीक है, और इसमें आयरन नेल्स है, ये सैंड है। अगर सैंड में नेल्स अगर मिला हुआ है तो आयरन नेल्स क्या होगा, अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट हो जाएगा। हाँ, ये मैग्नेट है, आयरन नेल्स है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर लेगा, सैंड सेपरेट आउट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन एक ऐसा मेथड ऑफ सेपरेशन होता है विच इज यूज व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर वो मिक्स रहता है तो सेपरेशन कर लिया जाता है। जैसे आप एग्जांपल में ले ले, व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन पिन, जब आयरन पिन के बगल में मैग्नेट लाते हैं तो क्या हो जाता है, पिन्स टेंड्स टू क्लिंग टू इट, सट जाता है पिन, क्लिंग हो जाता है। हाँ, पिन्स टेंड्स टू क्लिंग टू इट, मैग्नेट में सट जाता है और लटक जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन टुवर्ड्स मैग्नेट इज यूज्ड टू सेपरेट आउट सच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गिवन मिक्सचर। तो किसी भी मिक्सचर में अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, लोहे जैसा सामान, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब अट्रैक्शन के कारण वो सेपरेट आउट कर लेता है। हाँ, जब जब किसी मैग्नेट को आयरन पिन्स के बगल में लाया जाता है तो पिन्स टेंड्स टू क्लिंग टू इट, वो पिन जो है ना अट्रैक्ट होकर के उसी के पास सट जाता है और लटक जाता है। ये सब काफी अच्छा है, मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत यूजफुल चीज है, कैसे सेपरेट की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये और अच्छा बात है, स्क्रैप आयरन इज रिमूव फ्रॉम ए हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल, गार्बेज से कैसे स्क्रैप आयरन को अलग किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, बोलेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फिटेड टू ए क्रेन, क्रेन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फिट किया हुआ रहता है, दिस आयरन कैन बी देन बी मेल्टेड एंड बी यूज, तो अट्रैक्ट करके सेपरेट आउट हो जाता है, फिर उस स्क्रैप आयरन को मेल्ट कर दिया जाता है, फिर री यूज किया जाता है। तो काफी काम का चीज है, ये सब ध्यान में रखना है। हाँ, अब आप आ जाओ, यहाँ देखो, सबलिमेशन एक पॉइंट है, सबलिमेशन एक तरीका है। क्या होता है सबलिमेशन? तो प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस स्टेट, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, अगर वो चला जाता है गर्म करने पर ऑन हीटिंग, तो उसको सबलिमेशन कहा जाता है। The process in which a solid changes directly into gas or gaseous state on heating is called sublimation. So generally solid substance on heating first changes into their liquid form. ज्यादातर तुम देखोगे कि कोई भी solid होगा उसको heat करोगे तो सबसे पहले वो अपना liquid form में बदल जाता है, और अब further heat करोगे तो change into their vapor form में हो जाता है। However, some solids change directly into their gaseous form when heated. कुछ ऐसे solid हैं जो directly gaseous state में चले जाते हैं गर्म करने। तो ये सारा चीज को ध्यान रखना है। आप इसमें कैम्फर का नाम है, कैम्फर भी एक ऐसा है, आप गर्म करोगे डायरेक्ट गैस बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनता है। हाँ, ये मिक्सचर ऑफ सैंड, मान लो बालू है और कैम्फर है, मिला दिया गया, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, सबलिमेशन मेथड से करेंगे। तो सबलिमेशन मेथड अप्लाइड की जाती है, सबलिमेशन मेथड में ध्यान रखा जाता है। आप एक ट्रिपॉइड स्टैंड ले लिया जाता है, देखो यहाँ पर ट्रिपॉइड स्टैंड है, ये स्टैंड है, टेबल पे रखा हुआ, गैस बर्नर है, हाँ फ्लेम चल रहा है, और ये आपका इन्वर्टेड फनेल है, ये उल्टा करके रखा हुआ है, चाइना डिश है, ये यहाँ पर जो है चाइना डिश है ये वाला, हाँ इसके अंदर में मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड डाला हुआ है,
ठीक है। अब जब आप सॉलिड कैम्प, अब यहाँ आप गर्म कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो मिक्सचर सैंड और कैम्फोर है, कैम्फोर क्या होगा साइड में यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, सॉलिड कैम्फर। ये इन्वर्टेड फनेल है, उल्टा करके रखा हुआ है, यहाँ पर कॉटन वूल डाल दिया गया है तो रोकने के लिए। तो जब सैंड एंड कैम्फर का मिक्सचर को लिया जाता है चाइना डिश, ये चाइना डिश है, पॉट होता है स्टीले में मिलेगा, और इसको क्या करो एक इन्वर्टेड उलट कर करके फनेल रख दो, इन्वर्टेड फनेल इसको बोलते हैं, हाँ साधारण भाषा में इसको किप बोलते हैं इसे। और नैरो इंड हैज बीन क्लोज, उसका जो नैरो इंड है ये वाला, इसको थोड़ा कॉटन वूल से क्लोज कर दिया गया है ऐसे ऐसे करते हैं, और सम कॉटन वूल डाल दिया गया है। ये चाइना डिश को गर्म किया जाता है वायर गॉज पे, वायर गॉज मतलब तार की जाली, ये वायर गॉज है, ये ध्यान में रखना वायर गॉज। तो वायर गॉज पर रख दिया गया चाइना डिश को, उसमें मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड है, और बर्नर से उसको गर्म कर। तो ऑन हीटिंग क्या होता है, कैम्फर सबलाइंस हो जाता है, मतलब तो सॉलिड से सीधे गैसेस स्टेट में चला जाता है, और चेंजिंग इन टू वेपर वो भाप बन जाते हैं, विच राइजेज अप और ऊपर उठने लग जाता है। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द फनेल, अब फनेल का साइड वॉल्स के पास जब ये आता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये तो साइड वॉल में, इनर वॉल में जब जाता है तो वेपर कूल डाउन, ठंडा हो जाता है टकरा के, एंड चेंज बैक इन टू द सॉलिड स्टेट, और फिर वो सॉलिड कैम्फर के रूप में सड़ जाता है फनेल के अंदर में। तो ये जो है स्टिक्स टू द वॉल्स ऑफ द फनेल, फनेल के वॉल पे वो सट जाता है, और सैंड गेट्स लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश, और नीचे खाली सैंड बच जाता है चाइना डिश। तो बहुत सुंदर बात है ये कि बालू और कपूर को अलग करना होता है, तो हम लोग सब्लिमेशन मेथड से अलग करते हैं। ये डिस्क्राइब करके आप इसको अच्छा से जानकारी ले सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब आप नेक्स्ट देखो लाइन में क्या बोल रहा है, तो जो मेथड है सबलिमेशन का, वो इट इज यूज टू सेपरेट सॉलिड, सॉलिड को अलग करने का तरीका है, विच सबलाइम इजिली, जो आसानी से सबलाइम हो जाता है, आसानी से सॉलिड से गैसीय स्टेट में जो चल जाते हैं कपूर के जैसा, तो उसको सबलिमेशन में रखते हैं, फ्रॉम सब्सटेंस विच डू नॉट सबलाइम। मेथड ऑफ सबलिमेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड विच सबलाइम इजिली फ्रॉम सब्सटेंस विच डू नॉट सबलाइम, तो जो सबलाइम इजिली होता है उसी को सबलिमेशन प्रोसेस में डालते हैं। सब्सटेंसेज लाइक नैप्थलीन, नैप्थलीन तो उन्होंने देखे होंगे, कपड़ा उपड़ा के साथ रखा जाता है अलमारी से, हाँ तो नैप्थलीन बॉल यह होता है, कैम्फोर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड सबलाइम ऑन हीटिंग, गर्म करने पर ये सारे चीज सबलाइम होते हैं। तो दिस दे कैन देयरफॉर बी सेपरेटेड फ्रॉम सब्सटेंसेस लाइक सैंड में से इसको अलग किया जा सकता है, सॉल्ट में से अलग किया जा सकता है, शुगर में से अलग किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन। तो ये सब काफी चीज है जो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। तो सबलिमेशन में हाँ ध्यान दोगे, यानी कि आपने सॉलिड को सॉलिड के साथ कैसे देखा, कैसे सेपरेट किया, सब्लिमेशन क्या है, इस मेथड्स को आप एक्टिविटी के द्वारा देखा कि कैसे क्या हो रहा है ना। फिर आप देखो मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड, सॉलिड के साथ और लिक्विड के साथ मिला हुआ, तो ये दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है, सॉलिड विद डिजॉल्विंग लिक्विड, जो लिक्विड में घुल जाता है, एक नहीं घुलता है, सॉलिड विच डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। तो दो तरह का ये है, सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल में दो तरह की बात आई, एक सॉलिड जो लिक्विड में घुल जाता है, एक सॉलिड जो नहीं घुलता है लिक्विड में। तो आखिर बात क्या है इसकी, आप इसमें देखें सेपरेटिंग सॉलिड दैट डिजॉल्व इन लिक्विड, ऐसा सॉलिड को अलग करना है जो लिक्विड में घुल जाता है। तो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं
जो डिजॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली पूर्ण रूप से इन ए लिक्विड टू फॉर्म क्लियर सोल्यूशन। तो क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं, हाँ जैसे सॉल्ट है और शुगर है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में कम्प्लीटली। तो जो कंपोनेंट है ऐसे मिक्सचर का उसको अलग किया जाता है दो मेथड से, कौन कौन, इवेपरेशन, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। तो इवेपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन दो नाम यहाँ पर आ रहा है, कैसे आप इसको रखेंगे। तो ये ध्यान में रखो, और इवेपोरेशन भी एक डिफिनेशन आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन लिक्विड। सॉलिड है वो लिक्विड में घुला हुआ है, तो अगर सेपरेट करने की मेथड है तो इसको इवेपोरेशन करते हैं। अब इवेपोरेशन को समझने के लिए आप कोई एक्टिविटी ले सकते हैं। हाँ, इवेपोरेशन को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी ले सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, देखिए इवेपोरेशन अगर समझना है तो ढंग से मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ले लिए। आपने सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ डाला, पहला में आपने मिक्सचर लिया सॉल्ट और वाटर का, एक ग्लास रड ले लिया जाता है, एक बीकर है उसमें सॉल्ट सोल्यूशन डाला गया है, ग्लास रड लिया गया है चलाने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर वायर गॉज है उस पर चाइना डिश रख दिया गया है और उसमें सॉल्ट सोल्यूशन डाल के बर्नर से टिपाई डिस्टेंस पर रख के उसको गर्म किया जा रहा है, तो क्या स्टार्ट होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है कि वो गर्म होके वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, और चाइना डिश में देखा जाता है कि चाइना डिश में सिर्फ प्योर कॉमन सॉल्ट बच जाता है। तो ये प्योर कॉमन सॉल्ट बच गया, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि प्योर जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट को नमक बोलते हैं, ये मिल जाता है हमको सॉलिड को सेपरेट कर लिया लिक्विड में जो घुला हुआ था, वो सुंदर बात है। इसी बात को लिखा गया है, आपको हेल्प करने के लिए ये दिया गया है, टेक ए ग्लास बीकर, तो आप बोलो ग्लास बीकर इज टेकन एंड हाफ ऑफ दिस बीकर इज फिल्ड विद वाटर, चलिए एंड 4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 4 चम्मच इसमें मिलाया गया नमक, स्टायर इट, कि उसको चलाया गया वेल अच्छे तरीके से टिल द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ताकि वो नमक घुल जाता है, सॉल्ट घुल जाएगा पानी में। अब क्या करोगे, ट्रांसफर दिस सॉल्ट सोल्यूशन इन टू चाइना डिश, चाइना डिश में सॉल्ट सोल्यूशन को रखा जाते हैं, फिर उसको गर्म किया जाता है बर्नर पर, जब गर्म हम लोग कर देते हैं तो वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग, पानी इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है, ये ऊपर ऐसे से भागने लगता है इवेपोरेशन होके, तो क्या बचता है, वेल ऑलमोस्ट ऑल द रिवर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, सारा का सारा पानी जब इवेपोरेट हो जाता है, पुट ऑफ द बर्नर, बर्नर को बंद कर दिया जाता है, फिर देखा जाता है व्हाइट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। जो व्हाइट पार्टिकल्स हैं, उजले उजले जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट हैं, वो रह जाते हैं चाइना डिश में, इस तरह से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो काफी अच्छा अच्छा बात आता है इसमें, वो बात जो है ध्यान पूर्वक सुनने और समझने से ही मिलता है, कैसे हम लोग सॉल्ट के सॉल्यूशन को से सॉल्ट लिया इवेपोरेशन से, बहुत अच्छा अच्छा बात है इसमें। आप इसको नेक्स्ट देखो, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट होता है जो समुद्र में पाया जाता है, दैट वी यूज इन आवर फूड, जो भोजन में हम लोग डालते हैं कॉमन सॉल्ट, हाँ उसको कैसे कॉमनली यूज टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, समुद्र के पानी से हम लोग प्राप्त करते हैं। सी वाटर इज कलेक्टेड इन द स्नो बेड, सी वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है सैलो बेड में, डग नियर द सी, समुद्र के किनारे खोद करके
वहां सी वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है सेलोवेरिंग, और हीट ऑफ द सन, और सूरज की जब हीट जाती है दैट हेल्प्स इन इवेपोरेटिंग वाटर, और वाटर को इवेपोरेट कर देता है एंड लीविंग बिहाइंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट के पार्टिकल्स को वहां पर छोड़ देता है। तो ऑन एन एवरेज ए लीटर ऑफ सी वाटर हैज 36 ग्राम ऑफ एडिबल सॉल्ट इन इट। ये सब एक कॉमन सेंस की बात है कि एक लीटर समुद्र का पानी में 36 ग्राम जो है एडिबल सॉल्ट होता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छा अच्छा बात है इसमें।